हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो सबसे पहले आप सभी को जो है वो हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस, और इजी लेवल जो है वो रखा गया है आपके एक रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी तक तो जो है वो आपकी तैयारी हो चुकी होगी। और इनमें से जो है वो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10 जो है वो सभी को आते होंगे। जिनको नहीं आते हैं उनको पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। 25 टेस्ट सीरीज जो है वो आपको 150 रुपए के अराउंड मिल रही है, और डेमो टेस्ट भी आपको एक मिल रहा है जिसको आप जो है वो पहले दे सकते हैं, उसके बाद जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डाउनलोड करके ऐप को जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, GKStudy50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग की आर यूज्ड टू ओपन फाइल मेन्यू ऑफ करंट प्रोग्राम। कौन सी की कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया जाता है जब भी आप किसी फाइल मेन्यू को ओपन कर रहे हो किसी भी करंट प्रोग्राम की। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर जो है वो आपको गेस करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Alt प्लस F। देखिए, 10 क्वेश्चन को बनाने का मेरा मकसद ये रहता है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो की कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया है, तो आपको MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, ठीक है, विंडोज की शॉर्टकट कीज जो है वो जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कीज आपके पास 120 क्वेश्चन में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेपरेट वीडियो कीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट कीज के ऊपर लेकर आऊं, तो आपके लिए वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंट्रोल प्लस के इज यूज टू, ठीक है, जो आपकी कंट्रोल प्लस के की होती है वो किसके लिए यूज की जाती है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, रीड करिए इनको और आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंसर्ट अ हाइपरलिंक, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए कंट्रोल प्लस आपके पास ऑप्शन में एच दिया हुआ है तो आप एच से हाइपरलिंक सोच लें, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, तो इसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी कीज होती है तो कंट्रोल प्लस के यूज होती है आपकी हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होता है, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो आपने कई वर्ड ऐसे देखे होंगे जिस पर आप क्लिक करते हो तो एक आप नेक्स्ट वेबसाइट पर या पेज पर पहुंच जाते हो, तो उसको बोला जाता है जनरली आपका हाइपरलिंक, जो कि एक एक्सटर्नल वेबसाइट का या एक्सटर्नल पेज का जो है वो लिंक अपने पास जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो जनरली किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक्सेस यूजर परमिशन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं, तीनों क्वेश्चन आपको आते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जरूर पूछे जाएंगे कि इन सेकंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर डाटा। सेकंड जनरेशन में जो है वो कौन सी मेमोरी आपकी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। और इसकी जगह पर आपका फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा यहाँ पर दे दिया है तो आपको जो है इस तरह के सारे क्वेश्चन पढ़ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर जो है वो स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज होती थी। अब देखिए, यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपके पास कॉम्बिनेशन में पूछ लिया जाएगा, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन से यूज होते थे और आपके स्टोरेज या स्पीड के लिए कौन से डिवाइस यूज होते थे, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं एक बार, देखिए, ताकि आपको कहीं और जरूरत ना पड़े पढ़ने की। तो स्विचिंग डिवाइस होते हैं आपके और होते हैं आपके स्टोरेज या फिर स्पीड के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और आपकी स्टोरेज के लिए यूज होती थी मैग्नेटिक ड्रम। अब क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइसेस कौन से यूज होते थे, तो वो होंगे वैक्यूम ट्यूब, या फिर आपके लिए स्टोरेज या स्पीड के लिए कौन से यूज होते थे, तो वो होते थे मैग्नेटिक ड्रम। अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से सिंपल आया कि भाई आपके पास फर्स्ट जनरेशन में निम्नलिखित में से क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम, आईसी, ठीक है, मैग्नेटिक कोर, तो आप सिंपल सा लगाएंगे वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में आपकी स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होते थे ट्रांजिस्टर, ठीक है, और स्टोरेज के लिए यूज होती थी आपकी मैग्नेटिक कोर, जो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। थर्ड की बात करें, थर्ड में आपके यूज होते थे आईसीज, ठीक है, आईसी चिप्स जो होती थी स्विचिंग डिवाइस के रूप में, और मैग्नेटिक कोर ही यहां पर यूज होती थी एज अ प्राइमरी स्टोरेज। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में आपके LSI जो है वो स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज होते थे। LSI का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, ये आपके यहाँ पर यूज होते थे LSI, और यहाँ पर जो स्टोरेज के लिए या स्पीड के लिए यूज होती थी वो होती थी सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में आपके होते थे SLSI, यानी के आपका सुपर, यहाँ पर आप ये सुपर लगा लीजिए, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, ये यहाँ पर ये यूज होती थी, और यहाँ पर जो स्टोरेज और स्पीड के लिए यूज होती थी वो होती थी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, बाकी दो तीन उनकी मर्जी है, पर एक तो जरूर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्पैम। स्पैम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन स्पैम के ऊपर बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जाता है वो आपको याद रखना है, आंसर तो जो है वो सेम ही होता है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच अमंग द फॉलोइंग, वेब पेजेस को जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि HTML के द्वारा जो है वेब पेजेस को बनाया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसके बारे में बहुत बारी जो है वो बात कर चुका हूं। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि मेलिंग ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, मेल भेजने के लिए 1982 में जो है इसको जो है वो जनरली आपका डिफाइन किया गया था 1982 में। इंटरनेट का आपको पता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजनी है, बेशक उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो, उसके लिए FTP यूज किया जाता है। तो ये सभी आपको जो है वो पता होना चाहिए। एक चीज याद रखिए, वेब पेजेस के लिए यूज होता है, नॉट फॉर वेबसाइट्स, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क, नेटवर्क के साथ इनमें से कौन सी टर्म यूज की जाती है, तो यहां पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, मान लीजिए आपको इसका कोई आंसर नहीं पता है, तो MS Excel आपको पता है कि इसका आंसर नहीं होगा, माउस तो आपका होता ही नहीं है। प्लॉटर किस लिए यूज होता है, प्लॉटर होता है आपका प्रिंटर टाइप जो है वो आपका प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर जनरली यूज होता है, बचा क्या आपका कनेक्टिविटी, ठीक है, तो एसोसिएटेड कौन सी है आपकी कनेक्टिविटी। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ अ वर्ड इज टाइप्ड दैट इज नॉट इन MS Word डिक्शनरी, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा वर्ड टाइप कर रहे हो जब आप वर्ड की फाइल बना रहे हो जो कि MS जो आपका वर्ड है उसकी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तो अ वेवी अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है क्या लिखूं यहां, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा जीके स्टडी, ठीक है, तो जीके स्टडी मैंने लिखा और ये वर्ड जो है वो आपका MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक लाइन सी जो है वो बन जाती है, ठीक है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ द अंडरलाइन दैट अपीयर्स इन दिस सिचुएशन, तो उसका कलर क्या होता है लाइन का वो आपको बताना है, तो ये तो आपने देखा होगा अगर आपने वर्ड यूज किया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेड, ठीक है, फिर आप राइट क्लिक करके जो है उसको एड टू डिक्शनरी या फिर इग्नोर कर सकते हो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज डेकोरेटिव टेक्स्ट कॉल्ड दैट यू कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट, डेकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है वर्ड आर्ट, ये चीज तो आपने यूज भी की होगी, ठीक है, ये क्या होता है, एक डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जो कि आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट, इनमें से जो है वो कौन सी सेल बाउंड्री को क्या बोला जाता है कि आपको ये पता लग सके कि कौन सा सेल जो है वो एट प्रेजेंट एक्टिव है, तो उसको बोला जाता है आपका सेल पॉइंटर, याद रखिएगा सेल पॉइंटर, ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, आपके कितने बने हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, और एग्जाम बहुत पास आ रहा है, अपनी रिवीजन को जो है वो करते रहिए, साथ साथ ही HP GK वगैरह पढ़ते रहिए, और GK स्टडी आपको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से ऑल हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी थोड़े जो है वो लेट अपडेट कर रहा हूं मैं डाटा, क्योंकि अभी जो है वो HPGO एग्जाम के ऊपर फोकस चला हुआ है, फिर भी आप जो है उसमें करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।